बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जा रहा हूँ आपको एक सरप्राइज देने। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल अपने टेस्ट करवाने, ब्लड टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। उम्मीद हो यार सही उठो। जी वो रात को जो मेरे साथ लाइव आए थे ये डॉगी और कुत्ते के बच्चे, इधर मेरी बात सुन, इधर मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। ओ तेरी बात कब पूछ रहा बेटा? आगे आगे देखो बेटा। कहता कुछ नहीं है, रस्सी तेरे हाथ में। मैं आ चुका हूँ जी पिम्स हॉस्पिटल में। अब मैं जा रहा हूँ पिम्स हॉस्पिटल में। सुबह से BMW आ रही यार, हाय हाय क्या क्रश आ रही थी यार सुबह सवेरे। BMW ये पार्किंग है जी, हम जाएंगे ऑफिसर वाली पार्किंग में, ना कुछ पूछते हैं ना कुछ, तो वहाँ पर जाके अपनी ऑडी खड़ी करेंगे। मैं देख चार चूड़ियाँ लगा के 70 को ना ऑडी बना दूँ बस, अल्लाह ने देनी होगी, जब देंगे तब तक इसी के इंजॉय करते हैं। जी हमारे छोटे से भाई ईशान भाई तो है, उठा उन्होंने कहा नहीं 2 बजे और टेस्ट करवाने। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ आपके पीसर होने का क्या फायदा। तो कहते हैं अभी उठते उठते 15 मिनट और नाश्ता कराऊंगा। अभी तो बिस्किट नहीं कराना चाहते ना। ओके बड़ा अभी लगने लगा हमें टीका, अभी हमें अंकल टीका लगाने लगे, सारा खून जो है वो ही निकाल लेना अंकल ने, तो अभी लगाते हैं देखते हैं। अभी मेरा सारा खून ले लिया, मैं भी गिर जाऊंगा इधर, चक्कर आ रहा है, नाश्ता भी नहीं किया, ऐसे सह हो गया। अभी सारे टेस्ट ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी टेस्ट करवा लेंगे, बड़ा VIP प्रोटोकॉल निशान मैंने में दिया था। मैं एक कुर्सी पे भाई सूट शूट पहन के बैठे हैं, अभी भाई चलो बाद। इन्होंने मुझे बॉडी बिल्डर भेज दिया था एक, कहते हैं भाई चलो आपका हमने आपका काम करवाते हैं। बॉडी बिल्डर ये अपने आपको बॉडी बिल्ड करते हैं भाई, पेट में क्या जो ऐसे है चिता लगता है चिता। वैसे बाइक की मेरे से बॉडी तो मैच नहीं करती पर हेयर स्टाइल जरूर मैच करता। सो अभी मैं आ चुका हूँ जी गौरमेट बेकरी। हम यहाँ से लेंगे जी ब्रेड और अंडे बाइट से लेंगे, ये 20 रुपये महंगे अंडे देते हैं, 20 रुपये सेव करने चाहिए। लोकल मार्केट से अंडे ले लूँगा। पहले ये चाचा जी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना कि दरवाज़ा खोलने वाले, मुझे गुस्सा आ रहा है इन बेकरी वालों पे। इतना पैसा लगा दिया, एक बंदा नहीं रख सकते मुलाजमत के लिए, तो क्या फ़ायदा इतने पैसे का यार। इधर मेरी बात सुन, सिक्योरिटी गार्ड बंदूक उठाने के लिए पकड़ा, दरवाज़ा खोलने के लिए रखा हुआ है। अपने ओनर से कहना यार ये चीज़ गलत है, तनख्वाह एक और काम उसे डबल डबल ले रहे हो यार। सही बोला कि नहीं बोला? सही बोल रहा हूँ ना, जो सही बोल रहा हूँ उस पर अमल भी करना चाहिए। बहुत अजीब ब्राउन ब्रेड खासा पेट अंदर करसा। अंडे किसने दर्जन है? 385 रुपये, 15 रुपये का हम 400 रुपये दर्जन अंडे हैं। जाते हैं हम अब वहाँ पे अंडे लेके गए। बहुत अच्छी बेकरी इस्लामाबाद में, अंडे मिले 340 रुपये, वो 45 रुपये महंगे दे रहे थे, उनकी ना पैकिंग थोड़ी अच्छी होती है, तो यहीं से अंडे लेंगे और जाएंगे। अब देसी अंडे जो हैं वो लाइक फार्मी है बट शेवर ठीक है, बड़ा बड़ा अंडा होता है। नाश्ता ले लिया मैंने, ये जी मेरी ऑडी, ये मैंने दी है ड्राइवर को चलाने के लिए। मैंने कहा ड्राइवर तू चला यार, मैं 70 में जाऊंगा हवा लगाते हुए। एक दिन दोबारा लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन दोबारा ऑडी लेंगे और दोबारा इंजॉयमेंट की लाइफ स्टार्ट करेंगे। अगले साल 2024 इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। अभी फिर जा रहा हूँ मैं टेंट करवाने। जान भाई कैसे हैं? शुक्र हम कटिंग करवाने लगे हैं चंगू स्टाइल, बताइए का नया स्टाइल। वैसे बाल नहीं सूट कर रहे क्योंकि यहाँ से बहुत लाइट हो गए हैं हेयर जो ना, यहाँ से बहुत लाइट हो गई, यहाँ से पूरे उड़ गए, यहाँ पे तो है ये भी उड़ गए और ये तो बचपन का पैदाइशी है मेरा, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट है, अजीब सा लग रहा है यार। देखते हैं कटिंग करवाने के बाद अब लगाते हैं नेक। सो अभी हमें फूलों वाली चादर बना दी है, खूबसूरत लगने लगा। रिजवान भाई आज कैसे लगेंगे मेरे हेयर स्टाइल? अच्छा। कुछ लोग कहते हैं बाल क्यों कटवा देते हो यार, कोई है ही नहीं है बालों में हाथ फेरने वाली, तो यहाँ पे आए तो भाई बालों में हाथ फेर के टेंट कर देते हैं। बस सवारना छोड़ दिया खुद को,
दौर में हम भी कमाल हुआ करते थे। दिल ही नहीं करता अच्छे कपड़े पहन के बाहर घूमना फिरना, बस वक्त वक्त की बात होती है। इंशाल्लाह दोबारा एक दफ़ा फिर हम मैदान में उतरेंगे, लोगों का दौर आता है हमारा ज़माना आएगा। अरे ये कहवा मंगवा लिया, बड़ी मेहरबानी थी, क्योंकि हम कहवा पियेंगे चुस्की लगाएंगे। अब जा रहे हैं वापस। सो मेरा नया स्टाइल कैसा है अब देखते हैं जी, नया स्टाइल कैसा लग रहा है मेरा, कितना प्यारा लग रहा है यार।